اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي। शरीयत ने आपको रिश्तेदारी के जोड़ने का हुक्म दिया है, बहुत सख्त नमाज रोज़े की तरह हुक्म है, रिश्तेदारी तोड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसकी भी क्या है, लिमिट। आप रिश्तों को खुश करने के लिए गुनाह नहीं कर सकते। आपके भाई की शादी है, मौसीकी की महफिल है, नाच गाने का इंतज़ाम है, आपके लिए उस महफिल में शिरकत जायज़ नहीं है। अब भाई कहता है मैं नाराज़ हो जाऊंगा, माँ कहती है मैं नाराज़ हो जाऊंगी, अब्बा कहते हैं मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मैंने पाल पोस के तुझे बड़ा किया, बड़ा या दीनदार, इस्लाम में सबसे पहले वालदैन हैं, खूनी रिश्ते हैं, तू नहीं आएगा, लोग क्या कहेंगे। तो आप उनको जवाब दो, खूनी रिश्ते हैं मगर उनको जोड़ने के लिए अल्लाह ने लिमिट किया रखी है कि इतना मत जोड़ो कि मैं टूट जाऊँ तुमसे। सबसे पहले कौन है, अल्लाह। لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, खुदा की नाफरमानी में मखलूक को खुश करने की इजाज़त नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी में इजाज़त नहीं है। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रिश्तेदारों से कंप्रोमाइज़ कर लेते, आप तो रिश्तेदारी जोड़ते जोड़ते आखिरी हद तक गए हैं, लेकिन रिश्तेदारों ने नहीं मान के दिया, फिर आपकी तलवार रिश्तेदारों के खिलाफ चली है, सबसे पहली तलवार ही उनके खिलाफ उठी है, तो इसलिए लिमिट है। इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मोहब्बत वाला, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। शौहर अगर बीवी को ऐसी बात का हुक्म देता है जो शरीयत में हराम है, औरत के लिए इसमें अल्लाह पहले है, मियाँ बाद में। इसी तरह बीवी शौहर को अगर कोई ऐसी बात कहती है जो शरीयत में हराम है, तो यहाँ भी अल्लाह पहले है, बेगम बोलो ना बाद में। यही मसला औलाद का है, तो वहाँ अपने आप को बोल दो भाई इट इज़न्ट पॉसिबल फॉर मी। इंग्लिश में बीवी को समझाओगे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, समझ रहे हो। उर्दू में समझाओगे पेंडू आदमी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, बेवकूफ मौलवियों के साथ बैठ रहे। इंग्लिश में बोलो बेगम इट इज़न्ट पॉसिबल फॉर मी, आई कैन नॉट डू दिस, दैट्स ऑल। उसके बाद वो कहेगी पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है ना। तो खैर वो जिस तरह समझाना है वो आपका हेडिक है, लेकिन हराम की इजाज़त नहीं है। इसी तरह याद रखो, आपके रिश्तेदार कोई हराम कमाते हैं और उनकी आमदन में गालिब भी हराम है, अगर मिक्स कमा रहे हैं तो हम यही फ़र्ज़ करेंगे हमें हलाल से खिला रहे हैं, फिर शरीयत ने पेचीदगी का हुक्म, ज़्यादा तहकीक की इजाज़त नहीं। गालिब हराम कमा रहे हैं तो फिर आपके लिए उनके हाथ से खाना पीना जायज़ नहीं है। सिर्फ बीवी अपने शौहर की आमदन खा सकती है, लड़कियां अपने बाप की आमदन खा सकती हैं, नाबालिग लड़का भी अपने बाप की आमदन खा सकता है क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं। लड़का बालिग हो जाए तो वो अपने बाप की भी हराम आमदन नहीं खा सकता। सूदी बैंक में जॉब करना, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना, अलबत्ता सूदी बैंक में बास शोबे ऐसे हैं कि उनमें जॉब हराम नहीं है क्योंकि उनमें सूद में किसी तरह से इंसान इन्वॉल्व नहीं होता। स्टेट बैंक में बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनमें किसी भी तरह से सूद में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो सूद लिखने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, देने वाला, लेने वाला, चार तरह के लोगों पर अल्लाह ने लानत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसलिए खैर, तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी में, बीमा पॉलिसी में जॉब कर रहा है, तनख्वाह वहाँ से आती है, या बैंक में लोन रख के सूद ले रहा है, कौमी बचत से पैसे कमा कमा के उसी पर घर चला रहा है, तो उसकी आमदन में भी आपके लिए खाना पीना जायज़ नहीं। समझते हो, एक सूरत में जायज़ है, आप उसको बोल दें, वो आपको दावत दे रहा है कि भाई मैं इस शर्त पे खाऊंगा कि मैं इतने पैसे सदका करूंगा फी सबीलिल्लाह, ताकि ये मेरे लिए हलाल हो जाए, ये उसको बता भी दें, बताए बगैर भी करेंगे पैसे तो चीज़ तो हलाल हो जाएगी, लेकिन अगला तो यही समझेगा ना कि ये गुनाह में मेरे साथ शिरकत कर रहा है, मिंबर पे बैठ के कहते हैं हराम है और जब खाने का मौका आता है फोड़ फाड़ के चले जाते हैं। बाज़ मौलानाओं को हमने देखा है, उनके मुरीदों में सूदी बैंक में जॉब करने वाले लोग होते हैं, ला के उनको तोहफे दे रहे हैं, बड़े आराम से ठंडे पेटों रख रहे हैं, फिर मिंबर पे कह रहे हैं कि सूद में कमाना क्या है, हराम है। तो लोग बदगुमान होते हैं, यार उधर हराम है, जब आपका मुरीद आपको बकरे खिला रहा होता है तो उस वक्त हराम नहीं है। तो ये बदगुमान दीनदारों से लोग बदगुमान होते हैं, बस दाढ़ियों वाले भी ये काम कर रहे होते हैं, हराम है तो भाई सबके लिए हराम है, समझते हो कि नहीं समझते। हाँ, एक सूरत में कि इतनी रकम पहले से सदका करने की नीयत कर लें,
کیونکہ یہ کھانا صدقہ کرنا واجب تھا، تو کھانا یا اس کی قیمت، تو قیمت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، فوراً بعد میں کر دیں، نیت کر لیں میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، لیکن اس نیت پر اس کو مطلع بولو کر دیں، اس کو بتا دیں. لیکن ویسے تھوڑی ہمت کیا کرو، اس میں شرما شرمی میں منی جایا کرو کہ میں بولوں گا تو ایکچولی اس کا دل ٹوٹ جائے گا. دل جوڑنا جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے جوڑیں گے، جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی وہاں دل 100 مار ٹوٹے. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے کون ہے؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ اس لیے کہ جو چھوڑتا تھا دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا. تو دل جوڑنے کے چکر میں وہ کسی کا دل نہیں ٹوٹے. یہ جو آج کل ڈائلاگ بڑا سنا ہوا ہے، اصل اسلام تو یہ کسی کا دل نہ توڑو. بھائی دل جوڑیں گے یقیناً اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. ٹوٹتا ہے 25,000 دفعہ ٹوٹے. لڑکیاں فون کر کے پوچھتی تھیں مجھ سے کہ وہ لڑکے جو ہے نا ایک سے سیٹنگ چل رہی تھی، اب میں چاہ رہی ہوں جان چھڑانے لیکن اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہیں، وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے. میں نے بولا اس کو بولو مر جا کھمبے سے چپک کے، صحیح ہے نا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ٹوٹنے دو اس کو، 2 سال سے لٹکایا ہوا ہے، کمبخت نے شادی کر نہیں رہا، چکر بازیوں پہ لٹکایا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کو کھمبے سے چپک کے مرنا چاہیے. اور میں نے کہا اتنا نیک ہوتا نہیں ہے یہ، نیک سے مراد جس کو عرف میں نیک سمجھ، اس نے 25 کو پھنسایا ہوا ہوگا، 25 سے یہی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے. بہرحال دل ٹوٹتا بھی ہے تو 100 دفعہ ٹوٹے. سمجھنے کی عمل کی توفیق. اور میں سوال کروں، اگر کوئی کنوارا لڑکا متعلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا چاہے تو اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی؟ کر لو شادی، یہی کہتا ہے اسلام. ہمارے نبی کی پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے ہوئی ہے. آپ یہ نہ پوچھو اسلام کیا کہتا ہے، آپ یہ نہ بولیں ابو کیا کہتے ہیں اس بارے میں، میری امی کیا کہتی. ابو یہی کہتے ہیں کہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. امی بھی یہی کہیں گی کہ تو دائرہ اسلام سے کیا ہے. ابھی یاد آ رہا ہے، بٹن بند کرنا ہے جب پورا بیان ہو گیا. تو دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. تو اللہ میاں نے تو اجازت دی ہے، کر لو. میں دوسری شادی کی بات نہیں کروں گا، میرے داماد بیٹھے ہوئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.